हाय गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। महाकाल की इस नगरी में एक राजा कभी हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य, जिनका आज भी यहाँ सिक्का चलता है। नाम बेशक महाकाल का हो, लेकिन राजा विक्रमादित्य की बात किए उज्जैन यानी कि अवंतिका में आगे बढ़ना अधूरेपन जैसा है। तो हम भी आ गए महाकाल मंदिर के बेहद नज़दीक, वॉकिंग डिस्टेंस पे, महाकाल के ठीक पीछे राजा विक्रमादित्य के उस स्थान पर जहाँ पर किसी ज़माने में उनका शौर्य गौरव गाथा कहने वाला सिंहासन जमा करता था, लगा करता था, और वहीं पर वो न्याय की बौछार किया करते थे। तो आज का जो सफ़र है और आज की नज़र है वो राजा विक्रमादित्य के या विक्रम टीले से। मैं एंटर कर गया हूँ कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता है, टिकट का। विक्रमादित्य का जो मेन सिंहासन था, जो खोज के बाद निकाला गया था या निकल कर आया था, जिसको राजा भोज ने अपने समय काल में पाया था, वो स्थान ये था मुख्य, और इसी को कहते हैं विक्रमादित्य टीला, क्योंकि यही वो ऐतिहासिक या पवित्र स्थल है। क्योंकि बाहर भी यहाँ लिखा था कि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ आएँ और उसी हिसाब से बर्ताव करें। आपको सजेशन रहेगा अगर आप यहाँ आते हैं तो आप आएँ शाम में या अर्ली मॉर्निंग टाइम, क्योंकि धूप के दौरान जब धूप होती है तो सीधी यहाँ पत्थरों पे सीधी धूप लगती है तो चिलचिलाता है पैर, क्योंकि आप ऊपर जूता पहन के नहीं आ सकते हैं। और ये उनके जो साथ में जेम्स थे, नौरत्न थे, वो हैं। आज के समय के हिसाब से हम आपको समझाएं सरल भाषा में, तो मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के मंत्री होते हैं और उनके नीचे नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो इस तरह से सरकार काम करती है। लेकिन राजकालीन दौर में जब राजा महाराजा रजवाड़े हुआ करते थे तो उस दौर में क्या होता था, राजा होता था, उनके रत्न होते थे, और फिर उसके नीचे प्रशासन होता था, और फिर प्रजा होती थी हमारे और आपके जैसी। राजा विक्रमादित्य की जय। राजा विक्रमादित्य की जय। ये हैं बेताल भट्ट, ये हैं अमर सिंह, ये हैं शंकु, ये हैं धन्वंतरी, धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, ये हैं कालिदास, कालिदास भी बहुत मशहूर थे, ये तो किसी पहचान के मोहताज हैं ही नहीं, वराह मिहिर, वर रुचि, घटखप्पर, और अंत वाले हैं शपड़क। कि जिस प्रतिमा की हम अभी तारीफ कर रहे थे, उस प्रतिमा की कलाकारी के पीछे आखिरकार किसकी प्रतिभा छिपी है? दरअसल ये प्रतिमा बनाई है महेंद्र कोडवानी, मूल रूप से इंदौरी हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, और उन्होंने ही यहाँ की प्रतिमाएं तैयार की हैं, और मुख्य रूप से राजा विक्रमादित्य की मूर्ति भी उन्होंने ही बनाई है। चूंकि ये लोकेशन महाकाल मंदिर से बेहद नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इसके प्रांगण से या परिसर से महाकाल की जो शिखर है, जो गर्भगृह का शिखर है, वो यहाँ से साफ साफ दिखता है। वो नारंगी रंग का, हल्का नारंगी रंग का भगवा ध्वज के साथ जो लहर रहा है, शिखर हवा से बातें कर रहा है, वही महाकाल का गर्भ स्थान है, गर्भगृह का स्थान है, वही शिखर है उस मंदिर का। और ये है विक्रम टीले में महाराजा विक्रमादित्य का वही विग्रह, वही प्रतिमा, वही मूर्ति। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हद से हद 5 मिनट का होगा। आप आते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें। तो दैट वॉज दी विक्रम टीला या विक्रमादित्य का टीला। मैं आया था घूमने, मेरा सफ़र और मेरी नज़र पूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।